दोस्तों पेट गुरु का वादा कि इन्फोरटेनमेंट मिले सबसे ज़्यादा, मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट, बर्ड्स भी दिखेंगे, बर्ड्स के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले एपिसोड्स देखे जहाँ पर हम लोगों ने बात की कि कैसे आप लोगों के लिए हैंड फीडिंग करनी चाहिए और उसको प्रैक्टिकल भी देखा। तो दोनों पार्ट देखिएगा, पार्ट वन देखने के बाद ही पार्ट टू देखिएगा अगर आप बिगिनर हैं। लेकिन आप लोगों को अगर हैंड फीडिंग करवानी है तो हैंड फीडिंग करवाते समय आपको ब्रूडर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसको ब्रूडर कहते हैं, इंक्यूबेटर नहीं कहते। तो ये डिफरेंस भी जानेंगे और ब्रूडर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या फेर बदलाव करने चाहिए, वो सारी बातें आज हम फजल एक्जोटिक के माध्यम से जानने वाले हैं। और दोस्तों ना सिर्फ हम आज इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या महत्व हैं, लेकिन इसको बनाते हुए भी देखेंगे पार्ट टू के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। और ये बात दोस्तों आपको ध्यान ले जाना चाहूँगा कि पेट गुरु ने अपने वे ऑफ क्रिएशन को बहुत बदला है ड्यू टू आप लोगों की डिमांड्स पर, क्योंकि अब आप लोगों को प्राइस से रिलेटेड एपिसोड देने वाले यूट्यूबर इंडिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाले यूट्यूबर नहीं हैं। तो वो भीड़ से अलग होने के लिए थोड़ा सा हमने काम में बदलाव किया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का ये एक्साइटिंग और इन्फोटेनमेंट वाला एपिसोड फटाफट की स्टाइल में शुरू करते हैं। तो दोस्तों फजल भाई का फिर से हम स्वागत करते हैं। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो अफ्रीकन ग्रे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बात की, प्लस दोस्तों हैंड फीडिंग के टॉपिक्स पे बहुत सारी बात की, सब देखिएगा। बिकॉज अगर आप इन बर्ड लाइन में रहना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत रहेगी। सिर्फ बर्ड्स होने से कुछ नहीं होता, बिकॉज उनको बर्ड को सर्वाइव करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फजल भाई पेट गुरु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका आज हम फिर से एक समय लेंगे खास करके हमारे पेट गुरु के व्यूवर्स के लिए, और बहुत सारी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। तो आज पूरा आपको ओवर टू यू करके आप बताइए कि ब्रूडर की क्या रिक्वायरमेंट है और ब्रूडर कैसा होना चाहिए और इंक्यूबेटर से वो पहले तो कैसे अलग है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई। देखिए ब्रूडर और इंक्यूबेटर दोनों में बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है। नॉर्मली होता क्या है कि आप इंक्यूबेटर को एज एन ब्रूडर प्रेफर कर सकते हैं, ब्रूडर को इंक्यूबेटर के तौर पर नहीं ले सकते। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आप इंक्यूबेटर को एज एन प्रॉपर एक NICU के तौर पे आप ले सकते हैं, जिससे बच्चों को जब हम हॉस्पिटल के अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई पेटी में रखते हैं नॉर्मली, तो वो हमारे लिए काम करेगा एज एन इंक्यूबेटर का। फ़र्क इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, इतना सा नॉर्मल सा फ़र्क है कि ब्रूडर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ह्यूमिडिटी को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन इंक्यूबेटर के अंदर आप ह्यूमिडिटी मस्ट है। अब इंक्यूबेटर और ब्रूडर के अंदर दूसरा एक मेन डिफरेंस है कि इंक्यूबेटर यूज़ होता है अंडे को हैच करने के लिए, और ब्रूडर जो है वो बच्चों को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि अगर बच्चे छोटे हैं हैच हो चुके हैं तो उसके बाद जो है वो ब्रूडर में जाते हैं। अब इसके बीच का एक और पोर्शन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर के बाद आता है हैचर, और हैचर के बाद यूज़ होता है ब्रूडर। मान के चलिए कि आपने एग्स रखे इंक्यूबेटर के अंदर, इंक्यूबेटर जो है वो इंक्यूबेट करेगा जो भी उसका टाइम पीरियड है वहाँ तक, उसके बाद जब बच्चा जो है वो एग में से निकलने की तैयारी होगी तो वो जाएगा हैचर में, और हैचर में से उसको फिर उसके बाद उसको लेते हैं हम ब्रूडर में। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ अभी हम आज बात कर रहे हैं ब्रूडर की, कि ब्रूडर की ज़रूरत क्या है। तो हैंड फीडिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मली बात है कि भाई सारे बर्ड्स जो है वो इंक्यूबेट नहीं करने में आते, तो हम बात करेंगे कि भाई अगर आपने हैंड फीडिंग चिक्स लिए हुए हैं तो आप ब्रूडर्स का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से है। तो अगर ठंडी ज़्यादा है जैसे आज के कल के माहौल में, और वैसे भी नॉर्मली आप सभी को जानते हैं कि भाई विंटर जो है ठंडी की सीज़न जो है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग सीज़न है प्रॉपरली, तो ठंडी की सीज़न में ब्रूडर को आपको कंपलसरी है, मस्ट है। ब्रूडर में आप बच्चे का टेम्परेचर, मेन चीज़ होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो आप मेंटेन करेंगे। अभी लोग सिर्फ इसी बारे में बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्रूडर में आपको ख़ास देखनी है वो है तीन चीज़ जो बच्चे की मेन रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ उसका ऑक्सीजन, यानी कि एयर का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो।
बच्चे को फ्रेश ऑक्सीजन मिलना चाहिए। द सेकंड थिंग्स वो आएगा टेम्परेचर, बच्चे का जो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है वो, और थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तीनों चीज़ों के बारे में एक छोटी छोटी सी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे ऑक्सीजन की, भाई ऑक्सीजन आपको किस तरीके से करना है, क्या मेंटेन रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए आपको सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ब्रूडर है वो आपके ब्रूडर के अंदर एयर का फ्लो इन हो और आउट भी हो, यानी कि आपके ब्रूडर के अंदर एयर अंदर आनी चाहिए, फ्रेश एयर, और बाहर भी जानी चाहिए। लेकिन इसका पोर्शन आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा एयर का फ्लो होना है और इन फ्लो हो रहा है और आउट फ्लो हो रहा है कि बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हो और आपका जो ब्रूडर का टेम्परेचर है वो मेंटेन ही नहीं हो रहा है। तो आपको उसको बिल्कुल मिनिमम बेस पे और प्रॉपर बेस पे रखना है। सेकंड थिंग्स जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, बर्ड जो है वो अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकता, लाइक ह्यूमन और दूसरे बहुत सारे जो दूसरे एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं काफ़ी हद तक। जैसे ह्यूमन्स की बात करें तो हम जो है वो ठंडी के अंदर हमारी बॉडी जो है वो फूड को, जो भी एनर्जी है हमारी उसको कंजम्पशन करती है, उसका यूज़ करके हमारी बॉडी को गर्म रखती है 38 डिग्री के टेम्परेचर पे। और ऐसे ही जब अगर समर में जाते हैं गर्मी के टाइम पे, हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे जो छिद्र है उसके अंदर से पसीना निकालती है और हमारी बॉडी को जो है वो ठंडा रखती है। बर्ड के बॉडी में ये चीज़ नहीं है, उनके अंदर पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नहीं होती है। तो वो अपना टेम्परेचर जो है कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं बहुत लिमिटेड में, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ख़ास करके छोटे बच्चे को जो है वो आपको टेम्परेचर जो है उस तरीके से मेंटेन करके देना पड़ेगा। टेम्परेचर की अगर मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ कि जब बच्चा हैच होता है, हैच होने के बाद आपको एक एवरेज 35.5 का टेम्परेचर देना है, 35 के आसपास का। ग्रेजुअली जिस तरीके से बच्चा बड़ा होते जा रहा है आपको उसको टेम्परेचर को कम करना है, और एट अ टाइम ऑफ वीनिंग उसको 25 से 30 के बीच का टेम्परेचर देना है, यानी आपको टेम्परेचर लाना है 35 से 25 तक, ग्रेजुअली धीमे धीमे। ये हो गया आपका टेम्परेचर का। अब किस तरीके से उसकी सर्किट रेडी होगी, किस तरीके से टेम्परेचर सेट करना है, अगर मान के चलिए कि भाई हमारे पास इतने सारे बच्चे जो अलग अलग एज में हैं, तो उसके लिए क्या करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी का। कुछ लोग जो है उसे अवॉइड करते हैं, तो इसे अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब बर्ड छोटे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि भाई अगर आप इनक्यूबेटर के तौर पे आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो सबसे पहले बच्चा अंडे में से हैच ही नहीं हो पाएगा। और मान के चलिए कि आपने हैचिंग वाला बच्चा लिया है, तो जब बच्चा हैच होता है तब वो पूरा के पूरा बाल्ड कंडीशन में होता है, उसके फेदर्स वगैरह कुछ होते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा है तो बच्चे के लिए सर्वाइवल का इश्यू बनेगी। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के वहाँ जो है वो बच्चे जो है वो ड्राई हो जाते हैं। वो ड्राई होने का जो मेन रीज़न है वो है हवा के अंदर जो नमी की कमी, यानी कि ह्यूमिडिटी। अब अगर मान के चलिए कि भाई ह्यूमिडिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो बर्ड है वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी बॉडी में से जो मिनरल्स है, जो वाटर कंडीशंस है उनकी, उसकी बॉडी की वो रिड्यूस करेगा, वो कम करेगा, और एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ करेगा मेंटेन करने के लिए। और इससे क्या होगा कि आपका बर्ड जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड के अंदर आपके बर्ड्स की जो स्किन है वो थिन हो जाएगी और थोड़ा सा वाइटनेस आ जाएगी, आपको देख के उसको पता चलेगा। बर्ड की कंडीशन होनी चाहिए बिल्कुल पिंक कंडीशन में, अगर आप बच्चा है बिल्कुल पिंक होना चाहिए, हाइड्रेटेड बर्ड होना चाहिए। अगर वो हाइड्रेटेड नहीं रहता है तो उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए, जो आप फीड दे रहे हैं चाहे कितना भी अच्छा दीजिए, वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको जाके लगेगी ही नहीं, उसकी बॉडी में वो चीज़ अब्सॉर्ब ही नहीं होगी। तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखें। अब ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 40, मैक्सिमम 70। अगर 40 से कम है तो भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, 70 से ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम होगी कि बच्चे को जो है वो हाँफना शुरू कर देगा, और इसके साथ साथ हाँफने के साथ साथ जो है वो उसकी जो भी पोटी वगैरह जो है, वो जो वेस्टेज जो अपनी बॉडी में से निकाल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो सुखाएगी ही नहीं,
वो ड्राई मतलब गीली रहेगी, वेट रहेगी, और इसके वजह से बर्ड जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो गंदा भी हो जाएगा, और इसके वजह से सारी काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको मेंटेन करनी है ह्यूमिडिटी को 40 से 70 में। नॉर्मली जो भी इंक्यूबेटर, जो भी ब्रूडर आप बना रहे हैं घर पे, उसमें आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करा हुआ मुश्किल से कहीं देख पाएंगे, या फिर तो मेंटेन होना नहीं होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर पाएंगे। मैंने जिसे आपको बताया 40 से 70 के बीच में किस तरीके से ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है वो हम आपको बताएंगे। हाँ, अगर आप कोई अच्छी कंपनी के ब्रूडर लेते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के नाम हैं, मतलब हम बताना नहीं चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन अच्छी कंपनी के ब्रूडर जो है लाइक 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जैसी कंपनी उसका प्राइस रहता है, और उसमें भी यही चीज़ रहती है। आपको ये सिर्फ ये 3 मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी अगर आपकी मेंटेन नहीं रही, आपका बर्ड मर जाएगा। टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं रहा, बर्ड मर जाएगा। और अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं मिला तो वो सफोकेशन के होने की वजह से भी मर जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अब उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, एक प्रॉपर ब्रूडर किस तरीके से बनाना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बने रहिए पेट गुरु के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा। आपके सामने अफ्रीकन ग्रे बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए, अगर आप भी ऐसे हेल्दीएस्ट बर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको पेट गुरु के साथ जुड़े रहना होगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट सिर्फ यहीं मिलेगी। तो हम फजल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं।